दोस्तों बाहर से देखने में साउथ कोरिया इस वक्त किसी भी इकोनॉमिस्ट की ड्रीम कंट्री लगती है, क्योंकि ना सिर्फ ये दुनिया की 10वीं और एशिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि इसके साथ साथ वहाँ सैमसंग, किया, ह्यूंडई, एलजी जैसी कंपनीज ने भी अपनी शुरुआत की है और खुद का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत से लोग साउथ कोरिया से इम्प्रेस नहीं है और वो इसके पीछे कई कारण बताते हुए प्रिडिक्ट भी करते हैं कि साउथ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद भी हो सकती है। साउथ कोरिया के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर साउथ कोरिया की सक्सेस को देखा जाए तो इनकी तारीफ करने के लिए आपको काफी कारण मिल जाएंगे। अपने साइज के हिसाब से $1.8 trillion की इनकी इकोनॉमी काफी शानदार है और इसलिए $35,000 के प्रति व्यक्ति आय उन्हें भारत से 16 गुना अमीर बना देती है। न सिर्फ वो इस समय ग्रो कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे की एरियाज में तो वो डोमिनेटिंग पोजिशन पर भी है। आज जहाँ ताइवान सेमी कंडक्टर्स के मामले में पहले नंबर पर है, वहीं साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर है। अमेरिका और चीन दोनों ही इस मार्केट में साउथ कोरिया से पीछे हैं और शायद काफी वक्त तक ऐसा ही रहेगा। साउथ कोरिया की अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए दोस्तों, तो उसे आप इस उदाहरण से ही समझ सकते हैं कि जो स्क्रीन एप्पल अपने आईफोन में यूज करता है उसे एप्पल नहीं बल्कि सैमसंग ही बनाता है, जबकि मोबाइल स्पेस में ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स भी हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया के पास ग्लोबल ट्रांसपोर्ट में भी बहुत बढ़त है। साउथ कोरिया की ग्रोथ के पीछे एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जिस वजह से हमेशा से ही साउथ कोरिया ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। आज दुनिया की टॉप 4 शिप बिल्डिंग कंपनीज साउथ कोरिया से ही है और ग्लोबल ट्रेड की वॉल्यूम जिसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो इन्हें अमीर बनाई जा रही है। इसके साथ साथ साउथ कोरिया ने अपनी सॉफ्ट पावर भी दुनिया को दिखाई है और आज कोरियन सिनेमा, कोरियन टीवी सीरीज और कोरियन म्यूजिक पूरी दुनिया में बहुत डिमांड में है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कोरियन प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री भी आज वर्ल्ड लीडर बन गई है और कोरिया वो देश है जहाँ जनसंख्या के घनत्व के आधार पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज करवाई जाती है। अभी सुनकर सबसे पहले आपके मन में यही आ रहा होगा कि अगर सब कुछ इतना ठीक चल रहा है तो फिर परेशानी कहाँ है। दोस्तों जैसे कि हमने आपसे कहा था कि ऊपर से तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साउथ कोरिया इस वक्त कई सारी बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसमें से सबसे बड़ी परेशानी है पॉपुलेशन। आज साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट 0.84 है, जो कि अब जापान से भी कम हो गया है। और अभी के आंकड़े हमें ये बताते हैं कि 2070 में साउथ कोरिया के 50% लोग 65 की उम्र से ज्यादा के होंगे। जैसे जैसे बर्थ रेट गिर रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, इसी बूढ़ी होती हुई पॉपुलेशन के लिए केयर करने वाले फैमिली मेंबर्स और सिटीजन्स की जरूरत होगी। अगर सरकार भी इनका ख्याल रखती है तब भी उन्हें इनके लिए फंडिंग तो टैक्स बढ़कर ही लेनी पड़ेगी। अगर ये भी मान लिया जाए कि इन बूढ़े लोगों को सरकार या फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प नहीं भी चाहिए, तो फिर भी इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स और बाकी तरह के लोगों की भी तो जरूरत होगी, जो कि वर्कफोर्स में बहुत कम रह गए हैं। इसका एक सॉल्यूशन तो रोबोट्स और ऑटोमेशन से मिल सकता है, लेकिन फिर भी साउथ कोरिया के इकोनॉमिक इंजन को बिना वर्कर्स के नहीं चला पाएगा। अब दोस्तों यूं तो अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी बर्थ रेट बहुत कम है, लेकिन वहां पर वो इमिग्रेंट्स को बुला लेते हैं जो उनकी वर्कफोर्स में आई कमी को पूरा कर देते हैं। लेकिन साउथ कोरिया और इमिग्रेशन दोनों का साथ बहुत अच्छा नहीं है। एक एशियन कंट्री होने की वजह से साउथ कोरिया के लोग भी बाकी देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स को अपने देश में रखने के पक्ष में नहीं है। जो लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर भी वहां आते हैं उन्हें भी कोरियन होने के बावजूद रेसिज्म सहना पड़ता है और बहुत लो लेवल जॉब्स करनी पड़ती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर साउथ कोरिया फ्यूचर में इमिग्रेशन को आसान और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी बना देगा तब भी बहुत परेशानी है, क्योंकि ज्यादातर देशों में कोरियन भाषा नहीं सिखाई जाती और जो भी लोग अपना देश छोड़कर कहीं शिफ्ट कर रहे होते हैं तो वो साउथ कोरिया से ज्यादा किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री या फिर यूरोप के किसी देश को ज्यादा प्रेफर करते हैं। खैर अगर इमिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए तो एक और बड़ी समस्या साउथ कोरिया के सामने है और वो है उनका हाउसिंग मार्केट। जी हाँ, जब भी आपको घर चाहिए होता है तो या तो आप उसे खरीद सकते हैं या रेंट पर ले सकते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ सरकार की तरफ से आपको घर मिल जाता है, लेकिन साउथ कोरिया में घर लेने का एक चौथा तरीका भी है दोस्तों, जिसे वो चोंजे कहते हैं। इस सिस्टम में आप किसी भी घर का 70-80% प्राइस एक साथ घर के मालिक को दे देते हैं और फिर आप उस घर में फिक्स पीरियड के लिए रह सकते हैं। अब आप उस घर को छोड़ देंगे तो वो सारा पैसा आपको वापस मिल जाता है, यानी कि एक तरह से आप रेंट फ्री इतने टाइम में वहां रह रहे थे। इस सिस्टम के पीछे का लॉजिक ये है कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसे वो घर का मालिक बाकी प्रॉपर्टीज और बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा, यानी टेक्निकली उसे एक जीरो इंटरेस्ट पर लोन मिल गया, क्योंकि जब भी किराएदार जाएगा तब उसे उतना ही पैसा चुकाना है जितना उसने लिया था। उदाहरण के लिए आप मान लेते हैं कि एक घर का प्राइस 1 करोड़ रुपए है, जब कोई उस घर को रेंट पर लेने आएगा तो चोंजे के अकॉर्डिंग आप उसे 70 लाख रुपए ले लेंगे और इस 70 लाख से आप 3 नए घर लोन पर लेकर उनकी डाउन पेमेंट दे सकते हैं या फिर किसी नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।
अब मान लीजिए कि 4 साल बाद वो आदमी कहता है कि उसे घर नहीं चाहिए, अब आपको उसे 70 लाख रुपए वापस करने हैं। वैसे तो अब तक आपने उतने पैसे कमा ही लिए होंगे कि आप उसे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि आपको कोई लॉस हो गया था या आपके पास तुरंत उतने पैसे अवेलेबल नहीं है, तो आप उसी घर के लिए एक नया किराएदार ढूंढ सकते हैं। इन 4 सालों में घर का रेट भी बढ़ गया होगा, इसलिए जो नया किराएदार आपको मिलेगा उससे आप 70 नहीं बल्कि 80 लाख चार्ज करेंगे, जिसमें से 70 आप अपने पुराने किराएदार को देकर 10 अपने पास रख लेंगे। यही है चौथाई सिस्टम। अब दोस्तों, ये सिस्टम देखने में तो सही लगता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि ये सिस्टम सिर्फ तभी तक अच्छे से काम कर रहा है जब तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है तो ये पूरा प्लान फेल हो सकता है, और इसी का डर वहां की सरकार को भी है। एक दूसरी प्रॉब्लम जो इस सिस्टम के साथ वो है कि ये सिस्टम फिर रियल एस्टेट को काफी पॉपुलर कर देता है। एक प्लॉट या घर खरीदना हो सकता है आपके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन, लेकिन देश के लिए ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि अगर सभी लोग रियल एस्टेट में अपना पैसा सेव करके रखेंगे तो फिर बाकी की इकोनॉमी में कौन इन्वेस्ट करेगा? इससे सारा बोझ बैंक्स और सरकार पर आ जाता है, जबकि एक हेल्दी इकोनॉमी में रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका बहुत कम होती है। आज ज्यादातर कोरियंस ने अपनी सेविंग्स घर और प्लॉट के रूप में सेव करके रखी हुई है, उस उम्मीद में कि उनके रेट हमेशा बढ़ते ही रहेंगे और जरूरत पड़ने पर वो इसे बेच देंगे। ये भी साउथ कोरिया के लिए एक चिंता की बात है। साउथ कोरिया की इकोनॉमी में चिंता के कुछ और साइंस भी हैं दोस्तों। वहाँ की सारी इकोनॉमी बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा डोमिनेटेड है, जो मोनोपोलीज बन गई हैं। जैसे अगर आप वहाँ की सैमसंग ग्रुप को देखें तो दुनिया भर को लगता है कि सैमसंग फोन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाता है, लेकिन कोरिया में सैमसंग सीमेंट से लेकर युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाले टैंक्स तक सब कुछ बनाता है, और वो टेक्सटाइल और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में भी है। वहाँ पर ज्यादातर छोटी कंपनीज इन बड़े ब्रांड्स के साथ कम्पीट ही नहीं कर पाती हैं, और इसीलिए उन्हें खरीद लिया जाता है। इसकी वजह है वहाँ की सरकार में करप्शन भी बहुत बड़े लेवल पर है, और इन कंपनीज के कई नुमाइंदे डायरेक्टली सरकार के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। साउथ कोरिया का जॉब मार्केट भी बहुत टफ है दोस्तों, और बच्चों को वहाँ रात रात तक पढ़ाई करनी पड़ती है ताकि अच्छे मार्क्स लाकर वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पा सकें। इस कारण बच्चों में भी सुसाइड रेट बढ़ रहा है। कई सारे लोग तो साउथ कोरिया को छोड़कर दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए ही माइग्रेट कर गए हैं क्योंकि वहाँ का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी साउथ कोरिया एक प्रॉमिसिंग देश है, और आने वाले समय में वो किसी तरह इन समस्याओं को सुलझाने में कामयाब रहता है तो फिर मुमकिन है कि वो एक दिन एशिया में चीन से भी आगे निकल जाए। साउथ कोरिया के पास डिप्लोमेटिक सपोर्ट से लेकर टेक्नोलॉजी और टैलेंट सभी कुछ है, लेकिन क्या उसके पास इतनी पेशेंस है कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ ध्यान देना शुरू करे? ये चीज अभी भी बहस के लिए खुली हुई है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अगर साउथ कोरिया इमिग्रेशन के रूल्स को रिलैक्स करता है तो क्या भारत के लोगों को कनाडा और यूएस की जगह वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।